हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब एकदम मस्त हो जकास होंगे। तो यार आज है सैटरडे और अपना है छुट्टी का दिन। तो अभी क्या था यार, मतलब मैं डिसाइड कर रहा था, काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था किसी एक थोड़ा सा कोई अच्छा एक्शन कैम ले लूँ। मतलब देखने को मैंने DSLR वगैरह से देख रहा था कोई अच्छा फ़ोन मिल जाए अंडर मेरे, बिकॉज मेरा बजट था अंडर 40,000 के आसपास का। तो उसमें कोई अपने को मिल रहा था, किसी का बैटरी बैकअप ठीक नहीं था, किसी में कुछ प्रॉब्लम। तो आई सर्च लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यूट्यूब, तो वहाँ से निकल के और कुछ थोड़ा मतलब थोड़ा अपना भी यार बनता है ना, मतलब एक्सपीरियंस भी रहा प्लस पूछा और कुछ मतलब रिसर्च करने का। तो अपने को डिसाइड किया कि यार मैं GoPro Hero 9 को स्विच करता हूँ। मतलब स्विच इन द सेंस, फोन से ब्लॉगिंग करना गलत बात नहीं है, मतलब रीज़न क्या होता है ना, फोन से कुछ शॉट्स अच्छे नहीं आते हैं। वैसे तो ऑल लोग, मतलब आप 15,000 तक का कोई भी फ़ोन ले है आपके पास, उससे अच्छी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं इनिशियली बिकॉज जैसे जैसे फिर आपके अंदर थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, आप उसके बाद स्विच करते जाओगे। तो अभी ये डिसाइडेड बिकॉज मेरे चैनल को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था ब्लॉगिंग में। मतलब अभी उस तरीके से लेवल तो नहीं बढ़ा, मतलब चैनल उस तरीके से ग्रो तो नहीं किया है, बट रीज़न क्या था कि उसको ग्रो करने के लिए आई थिंक आई शुड हैव अ गुड कैमरा। तो आई थॉट कि यार मैं काफ़ी टाइम से जो सोच रहा था, आज सोचता हूँ कि चलो ले ही आता हूँ, बिकॉज मैंने अभी कॉल करा क्रोमा के ऊपर, वहाँ पे वो अवेलेबल है। तो पहले देखेंगे उसका डेमो अगर दिखाते हैं तो ठीक है, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है कि डेमो दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, बिकॉज उनके पास एक ही मतलब एक कैमरा अवेलेबल है। तो अभी चलते रहते देख कर आते, उसके बाद आगे उसके बारे में डिसाइड करते कि कैसा लगा अपने को एक कैमरा। सो फाइनली आई बॉट दिस कैमरा GoPro Hero 9 और दिस इज़ द मैम हु इज़ असिस्ट मी। मैम आपका नेम, सॉरी मैम आपका उमरा नाज। तो मैम ने मेरे को असिस्ट करा है और डिस्काउंट वगैरह मिला के अपने को ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास पड़ा है सब कुछ, इंक्लूडिंग विद द मेमोरी कार्ड। तो सही है यार, मतलब अभी घर जाकर टेस्टिंग वगैरह करता हूँ कम्प्लीट, देन उसके बाद देखता हूँ कैसा है। और मैम उसका बैटरी बैकअप कुछ आइडिया आपको कितना चलता है? और अगर मेरे को मतलब एक एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह परचेज करनी हो, अभी अवेलेबल नहीं है क्या वो? अभी अवेलेबल नहीं है। तो काम कीजिएगा ना, वहाँ फिर से परचेज कर लीजिएगा, करोल बाग वगैरह में मिल जाएगा, वहाँ पर शॉप्स होती है ना, मिल जाएगा वहाँ। ठीक है। फाइनली यार निकलते हैं यहाँ से क्रोमा से और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4 ही बज गए यार। आज तो पूरी मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना जाने की, मतलब मैं बाइक से आ गया देखो, तो मैंने वेट भी नहीं करा कि संडे गाड़ी वगैरह से आऊँगा, मैंने कहा नहीं लेना है बिकॉज काफ़ी टाइम से प्लान कर रखा था और आज वो टाइम मिल गया अपने को। आई डिसाइडेड चलो ठीक है यार ले लेते हैं, बिकॉज होता कहना है मतलब जब आप मन बनाते हो ना लेने का, उसके बाद फिर सोचते हो कि अब लूँगा तब लूँगा, तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। तो अभी थोड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है कि घर जाके इसको बिल्कुल अभी पहले चार्ज करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ चला के कैसा है कैसा नहीं है। और आई होप कि मतलब अभी ये प्रो लेवल पे जो मूव कर रहा हूँ उसके बाद कुछ ज़्यादा अच्छा चले चैनल वगैरह। तो मतलब बाहर ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी भाई, मैं तो बिल आ गया, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी आज, तो 2 बजे इतनी भयंकर लू चल रही थी ना यार। बट घर आके जो मुझे खुशी हुई ना, मतलब घर आके क्या उनको वहाँ पे जो मतलब पैसे तो लगे यार, बट मेरे को पड़ा ऑलमोस्ट 38,000 के आसपास का ही है इंक्लूडिंग विद, मैंने 2-4 चीज़ें और लिए कॉम्पोनेंट्स वगैरह, वो दिखाता हूँ भी थोड़ी देर में क्या क्या मैंने परचेज करा है। बट यार सीरियसली मतलब अभी ना मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार कुछ प्रोफेशनल लेवल टाइप में कुछ आपने स्टार्ट करा है और वो अब वी नेवर नो वो कितनी चीज़ इफेक्ट रहती है आगे ब्लॉगिंग वगैरह के प्रोस्पेक्टिव से और कितने मेरे को व्यूअर्स वगैरह में कितना बेनिफिट मिलता है। पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम मैंने किसी कैमरा वगैरह में इन्वेस्ट करा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कि ज़्यादा बेकार ना हो, बट क्वालिटी वाइज सीरियसली इट्स डैम गुड। क्रोमा पे लेने से बेनिफिट क्या है अपने को, एक तो यार ऑन साइड वारंटी मिल जाएगी, मैं किसी भी क्रोमा स्टोर पे जाके कहीं भी अपना मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं वहाँ पे दिखा सकता हूँ। प्लस दूसरा क्या था, मतलब मेरे को ऑनलाइन पड़ा 34,000 के आसपास का, वहाँ पे था 36,000 का, 2,000 रुपीज़ के मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया, मतलब 1+1 तो मिल ही रहा था, प्लस मैंने 1+ और एक्सटेंड करा है। लेने को मैं 3700 में 4 साल की भी ले सकता था यार, बट यार मैंने सोचा कि 4 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और क्यों बेकार में 1700 रुपये और एक्स्ट्रा पे किए जाएँ। साथ में मैंने वहाँ से 2-3 चीज़ें और परचेज करी, मैं दिखाता हूँ भी मैंने और क्या क्या परचेज करा साथ में इसके अलावा, मतलब GoPro जो था ये प्लस हाँ यार एक मेमोरी कार्ड भी लिया था मैंने 1600 रुपये का 128 GB, और 2 चीज़ें और लिया, मैं दिखाता हूँ अभी क्या लिया मैंने वो। तो यार एक तो अपना ये मतलब केस लिया है मैंने इसका, जहाँ से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक वगैरह के लिए लगा सकता हूँ, नीचे यहाँ पे मैं अडेप्टर लगा सकता हूँ, तो एक मैंने ये लिया। साथ में मैंने लिया एक ये ट्राईपॉड टाइप का, मतलब और ये मेरा कुछ बैग है इस टाइप से, एक मैंने केस यार ये भी लिया इसका साथ में, मतलब ये मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ा, इन्होंने मेरे को फ्री में दे दिया कि ठीक है आप लोग, ये मैंने ख़रीदा है उनसे,
ये पूरा केस, एक ये ऊपर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं लाइट लगा सकता हूँ, यहाँ पे मेरा माइक आ जाएगा। इसके लिए गोप्रो अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें फिर फ्लैश वगैरह नहीं आती इसमें। तो ये दो तीन चीज़ें मतलब मोटा मोटा मान के चलो 7,000 का और खर्चा है। कैसा लग रहा है आप बताओ। बाकी इसकी वीडियो क्वालिटी मैंने भी इससे ही वीडियो शूट करा, आगे की वीडियो भी मैं इससे अभी आगे के शूट करता हूँ, तो वीडियो क्वालिटी आपको ऑलरेडी डिफरेंस नज़र आ ही जाएगा यार। अंदर मेरे को जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, एक तो यार चल जा मेरा चाचा, ये देखो स्टैंडर्ड, नीचे स्टैंडर्ड में मतलब मेरा 1080p रहेगा, ये एक्टिविटी है। सिनेमैटिक के लिए मैंने 5K पे डाल रखा है और स्लोमो के लिए भी 1080p है। प्लस मैं यहाँ से मोड्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ इसके लिए, जैसे एक बैटरी एक्स्ट्रा और ली चाहिए मुझे, प्लस मुझे एक पावर अडेप्टर चाहिए। पावर अडेप्टर जैसे अभी क्या है ना, मतलब बैटरी में इसको साथ रख के ही चार्ज कर सकता हूँ। तो मैंने अभी अमेजोन से दो चीज़ें ऑर्डर करी हैं, एक बैटरी एक्स्ट्रा बैटरी, प्लस एक मैंने ऑर्डर करा है मतलब जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना वो उनका पोर्ट इन, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, मतलब चार्जिंग केबल अडेप्टर जो भी बोल रहे हैं लोग, उस टाइप से ऑर्डर करा। जब आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। मिला गया मेरे को, बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट। अब अच्छा अंदर क्या है, मतलब जब ट्रिप पे जाऊँगा असली क्वालिटी तो उसकी तब चेक होगी। प्लस कल एक बार ही दिन में मैं स्लोमो वगैरह लेने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, एक मैं सिनेमैटिक तो नहीं, एक टाइम लैप्स लेते हैं कल मॉर्निंग में, जल्दी उठता हूँ उठ सका तो, बिकॉज संडे है तो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं जल्दी उठने की, ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे के आसपास। तो एक सिनेमैटिक प्लस साथ में एक टाइम लैप्स, ये दो चीज़ लेने की कोशिश करता हूँ। तो खैर बेस्ट पार्ट क्या है, अपने को यहाँ पे ना एक ऐप डाउनलोड करनी है गो क्विक करके, यहाँ से फाइल ऑटोमेटिकली मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी फ़ोन के अंदर। तो ये बेस्ट पार्ट है, मतलब बेस्ट पार्ट क्या है यार, मतलब मेरे को एडिटिंग के लिए ना फिर कार्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ से इसके अंदर गो क्विक ऐप के थ्रू ये सारे डाउनलोड हो जाएंगे मेरी फाइल, जो जो मैंने अभी तक वीडियोज़ क्रिएट करी हैं, और उसके बाद भाई अपना एडिट कर लेंगे, है ना बेस्ट पार्ट भाई। लेकिन अपने को सीरियसली यार ये चीज़ बहुत अच्छी मिल गई। और हाँ, प्लस साथ में इसके मैंने आपको बताया था ना, ये एक्सटेंशन कॉर्ड है, मतलब कोड क्या है, मतलब ये एक्सटेंशन है, मतलब अगर मेरे को थोड़ा लंबा बनाना हो उसको तो मैं इसे लंबा भी कर सकता हूँ इसको। तो एक बार जब एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह आ जाएगी तो यार अपने पास बैटरी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मतलब एक बैकअप मेरे ख्याल से 50 मिनट से 50 एक घंटा मान लो यार, मोटा मोटा जो चलता है 1080p 4K पे थोड़ा और कम मान लो, 5K पे तो बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है। तो एक्स्ट्रा बैटरी और है, और जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एक एक बैटरी और मांग लें, बिकॉज जो मैंने चार्जिंग के लिए मंगाया है अमेजोन से, आई थिंक वो जब भी आएगा मुझे पता नहीं, ऑर्डर तो मैंने कर दिया, दो तीन दिन में दिखा देगा बिकॉज अपने पास प्राइम मेंबरशिप है। तो वो जैसे आएगा उसके अंदर अपने को दो, एक साथ में मैं 3 बैटरी चार्ज कर सकता हूँ, तो भी 2 सफिशिएंट है यार मेरे लिए। बाद में अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो 2 और मंगा लेंगे, बिकॉज अगर आगे किसी ट्रिप वगैरह में जाते हैं तब मेरे ख्याल से 2-3 बैटरी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। सर फिलहाल अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8, तो मुझे उठने में ना काफ़ी देर हो गई, मतलब थोड़ी सी देर होगी, बिकॉज जितना मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी उठ जाऊँगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं सोचा था सनराइज़ का शॉट लूँ, पर यार नहीं ले पाया, सॉरी इसके लिए। बट देखते हैं, कुछ बादल भी नहीं है बाहर तो खैर, तो टाइम लैप्स तो मुझे लगता नहीं आ पाएगा कोई, बट अपन लोग स्लोमो जरूर स्टार्ट मतलब ट्राई कर सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि आएगा नहीं आएगा, बिकॉज मैंने अभी बाहर कबूतरों को दाना डाला है, तो एक बार उनका शॉट लेके देखते हैं कैसा आता है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब दाना ये शॉट लेने के लिए डाला था कबूतर को, मैं डेली डालता हूँ, बिकॉज रीज़न क्या है यार, मेरे दादाजी कहते थे बिना झोले के फ़कीर होते हैं ये, तो मतलब मांग नहीं सकते हैं, तो आप बेटर मतलब आप उनको डाल दिया करो, ठीक रहता है यार, थोड़ा मन को भी शांति मिलती है और प्लस अच्छा लगता है यार इन लोगों को देने के बाद। तो फिलहाल अभी चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने योगा टाइम, मतलब योगा क्या मतलब लेट हो गया वैसे भी, बिकॉज संडे था यार थोड़ा लेट हो गया, अभी योगा का स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपको शॉट कैसा लगा ये प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट करके, और आज का दिन अपना कुछ ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा घर पे रहने वाला है, रेस्ट वगैरह इन द सेंस, रेस्ट तो वैसे भी रहते रहता है बिकॉज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो छोटे मोटे कुछ काम है अपने घर के वो निपटा लूँ आज। तो मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन पीस।